प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवि उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीओ कृषि अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी व प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। गोष्ठी में रवि की फसल के लिए रणनीति और उस पर अमल किए जाने पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई और मंडलों में भूगर्भ जल की उपलब्धता के दृष्टिगत मत्स्य पालन तथा गेहूं की बुआई सीड ड्रिल या हैप्पी सीडर यंत्र से कराए जाने पर विशेष बल दिया गया, जिससे फसल गिरने ना पाए व उत्पादन भी अच्छा हो। गोष्ठी में सिंचाई, विद्युत वितरण व फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। गोष्ठी में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धान की कटाई सभी जनपदों में शुरू हो गई है, ऐसे में पराली जलाने की घटनाएं घटित ना होने पाए। जनपद में बीज व खाद की उपलब्धता के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। रबी की बुआई के दृष्टिगत संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई। गोष्ठी में कृषि आयुक्त आलोक सिन्हा ने कहा कि किसानों को सभी संसाधन मुहैया कराया जाए, जिससे उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। सर, यहाँ पर खाद बीज की उपलब्धता है सर, काफी दिक्कत नहीं है सर। यूरिया की थोड़ी प्री पोजीशन की जरूरत है सर। वगैरह जितनी खराब थी सर, हमने ठीक करा लिया। 1300 जिसमें स्टाफ की विद्युत की दिक्कत है सर, वो भी अगले 2 दिन में ठीक करा लेंगे सर। हम लोग सर हर ब्लॉक वाइज सर भाइयों को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं सर, उसमें मान्य जनप्रतिनिधि लोग भी रहेंगे सर, उनकी समस्याओं का वहाँ भी सर हम लोग निदान कराएंगे सर। तैयारी सर पूरी है, बाकी किसी का कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर नमस्कार, सर नमस्कार, मैं सर इंजीनियर विपिन यादव गोरखपुर से। मैं ड्रिप सिंचाई सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा उधर, क्योंकि अपने यहाँ जो ड्रिप सिंचाई, मैं गुजरात में 5 साल एज ए डिजाइन इंजीनियर काम कर चुका हूँ। मैं एग्रीकल्चर से बीटेक गुजर और यहाँ पे खेती करता हूँ और यहाँ पे किसानों को उसके बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ, ट्रेनिंग में देता हूँ। तो जो कृषि सिंचाई योजना है उस पर जो हमारा ड्रिप सिस्टम हम लगाते हैं, तो हमारी व्यवस्था जो है गुजरात जैसी होनी चाहिए। उस पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे गुजरात में क्या है कि फार्मर अपना केवल फार्मर शेयर देता है, बाकी का जो पैसा होता है वो जो प्राइवेट कंपनियाँ वहाँ काम कर रही हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, वो पैसा उसके मतलब फार्मर के खेत में जाके सिस्टम लगा देती हैं। और फार्मर केवल अपना फार्मर शेयर देता है, वो भी गवर्नमेंट को देता है, विभाग को देता है। ठीक, उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है ट्रायल रन कराने के बाद, विभाग सत्यापन करता है, देखता है सारी चीजें सही है, उसके बाद जो भी कंपनी ने इंस्टॉलेशन किया है उसको पूरा पैसा 100% फार्मर का, 20% और 80% जो सब्सिडी का पैसा है, वो दोनों पैसा बाद में उस कंपनी को दे दिया जाता है 1 या 1.5 महीने 2 महीने बाद। तो ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो जाए ताकि यहाँ के किसान जो भी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, लाभ उसका ले सके, क्योंकि सारा पैसा किसान एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी व्यवस्था ना कर पाने की स्थिति में किसान इससे वंचित रह जा रहा है। वो चाहता है लगाना लेकिन नहीं लगा पा रहा है। तो इसके विषय में सर थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए और गुजरात जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ। बिल्कुल सर, मैं ठीक है सर, मैं वहाँ से रिजाइन करके यहाँ आया हूँ और 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। हमारे
अनुदान का सेवा समझिए कुछ ऐसी बात हो रही है किसान को लाभान्वित करेंगे इस कंडीशन में विभाग की पूरी लायबिलिटी होगी कि वो उसके टेंडर करे उसके रेट डिसाइड करे रेट फाइनल करेगा किसान किसी भी रेट पर सबसे ज्यादा लेने के लिए तैयार है अगर आप किसी से स्प्रिंकलर या कुछ भी ले रहे हैं तो आपको फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा डिपार्टमेंट यही हुआ किसी ने नहीं किसी के हमने अपनी आई अगर कोई कंपनी होगी अपनी साइड डिसाइड कर